चल चल फोर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज मैं सुबह ही सुबह तैयार हो गई हूँ। अच्छा, मतलब दिन के 12 बज चुके हैं और मौसम देखो, ऐसा लग रहा है कि सुबह है अभी भी। ठीक है। और गाइस, तो मैं जा रही हूँ आज जिम। आज मेरा जिम का पहला दिन है। मतलब ये मुझे कब से बोल रहे थे कि तेरे को जिम ज्वाइन करानी है। वो दिन आ ही नहीं रहा था, लेकिन आज वो दिन आ ही गया है। और मम्मी, मैं भी अब जिम शुरू करूंगी। करो इनकी तरह सेहत बनाओ, कुछ मोटे हो और क्या, इनकी तरह मैं भी हो जाऊंगी, मोटी बॉडी बन जाएगी मेरी भी। वही तो सभी कहते हैं, इतनी कमजोर है, थोड़ा मोटा होके दिखा ना आप। गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ जिम। तो गाइस, ट्रेनर साहब बैठे हैं जिम में और एक नया क्लाइंट एंटर हो रहा है आज, जिसको मुझे फ्री में पीटी देनी है, फ्री में करवाना है सब कुछ, सप्लीमेंट प्रोटीन वगैरह डाइट वगैरह भी मुझे अपने पैसों से देनी है उसे। तो ऐसा कौन सा क्लाइंट है यार, एक बार तुम्हें दिखाऊं जरा। आ रहा है वो क्लाइंट, मुझे फ़ोन आया कि मैं आ चुका हूँ, एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फ्री की क्लाइंट आ चुकी है। फ्री में ट्रेनिंग लेने वाले लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। मैंने सोचा, इन्होंने मेरे को बोला कि फोन कर दो आपको कि आज लो, इतनी बड़ी दूर है, अब जाके पहुंची हूं। हाँ। तो आज तेरा पहला दिन है जिम का। ये क्या लेके आई है? मेरे डाइट लेके आई है। खाना लेके आई हूँ ना गाइस। वो पत्नियाँ होती नहीं है, पति जो है खेत में काम कर रहे होते हैं, फिर पत्नी आती है खाना लेके। तो ये देखो जरा, खाना भी अरमा ने क्या बोला रात को, आपने बोला था ना पानी की बोतल, पानी की बोतल भी ले जाओ, उसने बोला था। तो चलो, मैंने बोला है कि एक्सरसाइज ज्यादा भारी मत करना। अच्छा, मतलब नॉर्मल सी करना, वरना तेरे कमर दर्द शुरू हो जाएगी। फिर मम्मी ट्रेनर बन चुकी है, मुझे लग रहा है, मुझे तो पता ही नहीं कैसे कराना है। चरणजीत, ये मत सोचियो तेरे को आसान आसान एक्सरसाइज कराऊंगा। मैंने पता है क्या बोला सबको, सबसे पहले आप मेरे से उठक बैठक लगाओगे, बोले जितनी भी गलतियां की है ना सारी माफिया मांग पहले। मजाक, ये चल डर क्यों रही है, स्पीड इतनी ठीक है या बढ़ाऊं? आज देख तू तेरी बॉडी कैसे दर्द होएगी, 10 ही लगाने हैं बस। कितने हो गए? 10 गिनना, खुद गिनना बस, हो गए हैं 10 भाई। क्या बात, तेरे को तो गिनती भी नहीं आ रही। मैंने सोचा काउंट कर। गाइस ये देखो, पति ट्रेनर है और पत्नी का फर्स्ट डे है जिम में, है ना। अच्छे से कराना मेरे को ट्रेनिंग, कहीं ऐसे ही करवाओ, पता है ना आपको, क्या मेरे पर्सनल ट्रेनर हो। पर्सनल एडवांस देने पड़ते हैं यहाँ पे, आप बाद में ले लेना। बाद में नहीं, शुरुआत में ही देने पड़ते हैं पैसे, तब जाके शुरू होती है ट्रेनिंग। ऐसे मैं कराता नहीं हूँ किसी को, मैं कहीं नहीं भागने वाली, ठीक है ना। चल अगला सेट लगा पुशअप का। चल 10 लगा लेगी? 10 नहीं, चल 5 लगा। 1 2 3 चल 4 एक और बस, खड़ी हो जा बस, हवा निकल गई। पहले मुझे करके दिखाओ कैसे करना है। आराम से उतरना है बिल्कुल, ठीक है ना, कहीं आ गिर और क्लेश करे कुछ। चल तो फिर ऐसे एक्सरसाइज क्यों करवा रहे आप? तो एक्सरसाइज ऐसे होती है। चल तेरी बारी आ, चल इसको क्या करना, इसके ऊपर गोड्डे रखने हैं, क्या करना, देखा नहीं अभी मैंने क्या किया, नीचे तो नहीं गिरेगी ना, नहीं गिरेगी। चल दोनों जगह पैर रख यार, इधर दोनों पे, हाँ पहले पकड़ बीच में से, हाँ अभी इस पे गोड्डे रख। एकदम तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा यार, एकदम तो नहीं जाएगा। क्यों जाएगा, आराम से करियो, हाँ देख तू पहले चेक करके देख, नीचे जा रहा है, रुक जा वेट बढ़ा दूं पहले। चल अब रख, अब आराम से कर नीचे, अब ऊपर खींच, हाँ ऐसे ठीक है। देख इस पे ना बराबर ग्रिप रखनी है, इधर नीचे बैठ के बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, और इसको शोल्डर लेवल तक लाने हैं बस ऐसे। ऐसा है मेरी जिम में फोन अलाउड नहीं है वर्कआउट के बीच में, है? इसे बंद करो। दादाजी नहीं करेगा बिल्कुल, क्यों, अगर कृषि को कुछ चाहिए दिक्कत होगी तो
चलो फिर ये करो जरा पहले जो मैंने सिखाया, खड़ी हो पहले, ऐसे कैसे पकड़ेगी, खुद नीचे आएगा बराबर। हाँ चल, जैसे जैसे मैंने सिखाया, चल नीचे, यस आराम से ऊपर छोड़ो, चल हाँ चल, हाँ पूरा ऊपर जाने देना, नीचे लेके आ थोड़ा और, शोल्डर तक, यहाँ तक लाना है, चल अब ऊपर छोड़ दे, हाँ कर आराम आराम से, हाँ ऐसे बस ऊपर, हाँ फिर कैसा लग रहा है? दर्द दर्द तो अभी होगी, अभी हुई नहीं है गाइस, ये सोच रही है कि बस जिम कर ली, हो गया काम शुरू, बस अभी पता चलेगा रात को, कल उठेगी जब कल आएगी ना फिर देखियो, और रोज़ आना है, ये नहीं आज आया और छुट्टी, बस अब नहीं आना, डेली आना है, डेली, ठीक है, फुल स्ट्रेट पीछे, हेड टच, आगे कर आना है, हाँ हेड टच कर, हाँ इसको थोड़ा ऊपर से पकड़, हाँ चल स्टार्ट, हेड टच रख, हाँ आगे कोई जाएगा पीछे थोड़ी हो जाएगा वो, हाँ चल सीधा बस यहीं से वापस, यस दस करने हैं ऐसे ऐसे, चल भारी है, सबसे कम वेट है वहाँ पे, ठीक है चल चल। गाइस मैं इसकी बना दूंगा रेल आज, ये क्या सोच रही है कि घर के बंदे हैं तो छोड़ दूंगा, ना ना दस दस पूरे, चल आप ना मेरे को जानबूझ के हार्ड हार्ड करवा रहे ताकि जितने भी खुंदक है ना वो सारे निकाल सको, समझ के आपकी सारी बात। गाइस ये देखना इसको, साइकिल पे नहीं बैठना आ रहा, वैसे तो कहती थी मैं स्कूल साइकिल पे जाती थी, पैडल देख लेना पैडल कहाँ, ये देखो पहला ही दिन है जिम का और इसकी परफॉर्मेंस आज 10 में से दूंगा मैं 4 नंबर। चल क्या कर रही है, साइकिल नहीं चलानी आती तेरे को? हाँ तो फिर हाँ चला ऐसे, ठीक नहीं है, बैठ नहीं पा रही थी मैं, ऊंची है ज्यादा। पाटा गैंग में एक और बंदी, और कुछ मैंने मेरी क्या बोला नहीं, मैं फीस है 3 महीने की 5,000, 1 साल की 13,000 और 9 महीने की 10,000। पीटी भी लेनी है कह रही है ये तो, पीटी पीटी देखो वैसे 3 महीने के 36,000 है, आप 30 कर देना, बोला ठीक है भाई आप दे देना, मेरे को देने हैं तूने मतलब आप मेरे बदले दे देना ना, तो फिर बदले बदले नहीं ये लो कर दो चलो करो, ये फ्री के मेंबर हैं, ये फ्री के इनका पानी वाली बोतल लेके थोड़ा शो ऑफ करना था ना इसको, इसमें कोक भर के लाती, ऐसा लगता लोगों को कि तू काला पानी पी रही है, चला तेरी स्ट्रेचिंग भी करूं, उधर घूम करके ऐसे, हाँ इधर और पीछे, हाथ पीछे ऐसे, हाँ गाइस आज का सेशन होता है समाप्त, ठीक है अब जाओ अपने घर और अपना काम करो, छोड़ तो चलो भाई गाइस से छोड़ के आते हैं हम और फिर मिलते हैं आपसे आके। सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर और पुत्र खुश बड़ा होता है मुझे देख के, और ये देखो जिम करने की एक दिन के बाद की हालत, जिम करने आना कल से या नहीं, तो आना ही पड़ेगा ट्रेनर जो है यहाँ पे, मम्मी तुसी भी आओ जिम फिर कल, तुहानू भी कराना जिम,
मैं देखा जनानिया जिम कर दिया मैं वेख्या एक जनानी ने 75 हार्ड चैलेंज लिता सवेरे उठ के जाके अपना खेता खुतें च पूरी वर्जिश करके आंदी है पार्क जाके तुसी भी शुरू कर दो ठंड ठंड सोचोगे तो ठंड है नहीं तो नहीं है तेरा तो मेरे को हाल माड़ा लग रहा है गाइस ये एक ही दिन जिम किया अभी पुत्र पुत्र बोलिए एक बार पुत्र पुत्र ना अपने मम्मी पापा की शादी देख रहा है तो मैं भी दिखाऊं ये देखो कहां का पता क्या ओजी की गाड़ी भाई कोई हाथ मत लगाओ कभी रामनगर को जा रहे हैं कभी नैनीताल को जा रहे हैं देखो गाइस ये देखो कैसे थे हम शादी का दिन ये दुल्हन सजी हुई है क्या कह रही है बोलियो मैं कह रही दोबारा शादी कर लेते दोबारा करनी होगी तो मैं तेरे से ही करूंगा क्या तो किससे करोगे तो अगर दूसरा मौका मिलेगा तो कम से कम कुछ अच्छा तो चूज करूंगा मैं दाढ़ी चुभती है मैं तेरे को बता रहा हूँ मुंह पे ना छेड़ा दूसरी शादी के बारे में बोलोगे तो दाढ़ी क्या सब फाड़ दूंगी तो गाइस मैंने इसकी जिम करवा दी इसको डाइट दिला दी आज पूरी खाली पीली जो भी था इसका और अब ये देखना है कि कल सुबह उठ के जो इसके बॉडी में पेन होना है और उसके बाद भी ये जिम जाएगी कि हाँ जाऊंगी तब तो ये मिशन में सक्सेसफुल है अभी कुछ नहीं है जब सो के उठेगी तब होगा बॉडी पेन ये कुछ नहीं है तो गाइस अब हम जा रहे हैं मार्केट में कहाँ जा रहे हैं हम कुंडी लगा के रखते हैं गाइस हम यहाँ पे पता क्या अगर ये कुंडी खुली रह जाए तो क्रिशु बाहर चला जाता है और बाइक पे आके चढ़ जाता है खैर वो सब बातें मैं तुम्हें बताऊंगा अगले व्लॉग में अभी तो हम जा रहे हैं मार्केट में थोड़ा डाइट का सामान ले आएं और भी ना लड़की जिम शुरू कर बैठी है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही तब तक के लिए बाय बाय जय श्री राम बाय